हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी शानदार से एक इमरजेंसी लाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ। और ये गैस प्लास्टिक के बॉक्स में बनाया है हमने, और गैस ये काफ़ी आसानी से बन के कन्वर्ट हो जाता है, और गैस काफ़ी कम खर्चे में, और गैस जो इसका बैटरी बैकअप है काफ़ी ज़्यादा है, और गैस ये जो स्विच लगा है यहाँ से हम ऑन करके और इसको चला सकते हैं। गैस आप देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस, और गैस LED देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और गैस काफ़ी ब्राइटनेस के साथ LED जल रही है। इसमें मैंने 9 पीस LED लगाया है। गैस यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं और ये रिचार्जेबल है। तो चले गए इसकी हम मेकिंग वीडियो देख लेते हैं। गैस इस इमरजेंसी लाइट को बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक इंडक्शन बोर्ड की बॉडी, जो कि आपको मार्केट में काफ़ी ऐसे से मिल जाती है 10 से 15 रुपए का। और गैस ये जो कलर है, गैस सफ़ेद कलर मेरे को नहीं मिला, गैस यही कलर मिला था हमने लेकर चलाया। और गैस इसमें एक स्विच लग जाता है और एक सॉकेट लग जाता है। तो गैस अंदर साइड से इस कुछ इस तरीके का होता है। तो गैस इसके साथ क्या करना है कि इसमें हम इमरजेंसी लाइट बनाना है। तो इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए पहले इस तरीके का हमें एक और फ्रेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको इसमें लाकर यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ ले लेंगे हम PVC पाइप सीट, और इसके साथ जो ये इसके ऊपर वाला ये बॉडी है, इसे रख करके अंडरलाइन करके एक पीस कटिंग कर लेंगे। इसका इस पीस पाइप सीट को हमने कटिंग कर लिया है इस तरीके से, और चारों साइड से घिस के इसके किनारों को स्मूथ कर दिया है, और इसके साथ इसमें अच्छे तरीके से सेट हो जा रहा है। इसके साथ हमें क्या करना होगा, इसके चारों साइड में 1 सेंटीमीटर का मार्किंग लगाना होगा इस तरीके से। गैस के साथ पूरा हमने मार्किंग कर लिया है, और गैस जो मार्किंग है इसी पे हमें कटिंग करना है। तो गैस जो मार्किंग है, जो स्विच के यहाँ पे था, इसको हमने यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है, और जो इसका यहाँ से और यहाँ तक हमने छोड़ दिया है जगह, और इसके इधर से 1 सेंटीमीटर है छोड़ा है जो हमने साइड साइड, और इसके साथ एक यहाँ पे एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में यहाँ पे LED लगने वाले हैं इस तरीके। इसका 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और जो इस बॉक्स का दूरी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है इस तरीके से। यहाँ पे होल कर लेना है हमें LED के साइज का, और जो स्विच का है उसको भी कटिंग कर लेना है। गाइज हमने सारे होल को कर दिया है LED के लिए भी, और जो स्विच है उसके लिए भी कटिंग यहाँ पे कर दिया है। गाइज इसे चाहिए हमें 8 mm की LED, और ये आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाती है। और गाइज ये जो LED है ये 9 पीस है, क्योंकि इसमें हम एक में 3 पीस लगाने वाले हैं और 3 पेयर है, तो 9 पीस लगेगा, 9 पीस। और इसमें जो इसका जो कनेक्शन होगा वो है कि जो इसका बड़ा है वो पॉजिटिव है प्लस, जो छोटा है वो नेगेटिव है माइनस। तो इसके साथ क्या करेंगे कि हम जो सारी LED हैं इनको हम इसमें लगा देंगे, तो प्लस कनेक्शन एक साइड रखेंगे और माइनस एक साइड। इसके साथ इन्हें सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। गैस इसके साथ क्या करना है कि हमें इसका कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए जो सारी LED का लेग है उसको बैंड कर देना है। तो गैस ये है जो कि प्लस पॉइंट है, और ये वाला माइनस, और ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस है, और ये माइनस। तो इसका कनेक्शन करना है कि ये प्लस प्लस एक में कर देना है, और ये माइनस यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने कर दिया है। ये 4 LED का यहाँ पे माइनस एक में जोड़ दिया है, इसका ये 2 LED का माइनस एक में जोड़ दिया है, और यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट इस तरीके से, और यहाँ पे जो 4 LED का प्लस है उसको आपस में यहाँ पे जोड़ दिया है, और जो ये नेगेटिव पॉइंट है लास्ट में बच चुका है। इसके साथ क्या करना है कि जो सारी LED का नेगेटिव पॉइंट है इसको आपस में जोड़ देना है, और जो प्लस का है इसको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ के और यहाँ पे लाकर जोड़ देना है, तो ये प्लस पॉइंट पूरा हो जाएगा। तो इसके चलिए जोड़ लेते हैं।
गैस के साथ सारी एलईडी का कनेक्शन हो चुका है और गैस कनेक्शन हमने जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से कर दिया है। और इसका मेन पॉइंट है जो निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो गैस इसमें से पॉजिटिव टर्म में से आप कोई से वायर निकाल सकते हैं कहीं से भी एलईडी में से, और निगेटिव में से भी कहीं से भी वायर निकाल सकते हैं निगेटिव का। तो गैस यही मेन पावर है जो कि हम यहाँ पर पावर देंगे तो ये सारी एलईडी जलेंगी। गैस के साथ क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें एक स्विच लगाना होगा, तो गैस इसमें हम ये एक बड़ा वाला स्विच यूज़ करने वाले हैं जो गैस काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और ये गैस आपको मार्केट में 10 रुपये का मिल जाता है। इसके साथ क्या करना है कि जो इसके साइज़ का हमने होल किया था इसको इसमें लगा देंगे और स्क्रू इसके साथ आपको मिल जाएगा 2 पीस जो कि इस तरीके का होता है, और इसको दोनों को लगा करके कस देंगे। इसके साथ जो स्विच हमने लगाया है इसका कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन करने के लिए जो एलईडी में का पॉजिटिव टर्मिनल आया है उसको स्विच के यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देना है। इसके साथ एक पीस और लेना है वायर छोटा सा, और इसको जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है इसमें जोड़ देना है। इसके साथ जो नीचे वाला बॉक्स है उसको ले लेना है। इसके बाद लेना है एक चार्जिंग मॉड्यूल 5 वोल्ट, और इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा लगाने के लिए, तो हम जो यहाँ पे होल है इसी के एक ऊपर साइड में करेंगे, तो यहाँ पे करके और इसको लगा लेते हैं। इसके जो फीमेल जैक है उसको हमने लगा दिया है, और इसके साथ आपको एक नट मिल जाएगा तो उसको हमने फिर सेट से इस तरीके से लगा दिया है। और इसके साथ आगे साइड में 2 वायर निकल चुका है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसके साथ लेना है एक 40/56 चार्जिंग मॉड्यूल। इसके साथ ये जो है इसका बैटरी का पॉइंट है, और ये जो इसका जैक का पॉइंट है। तो यहाँ पे जो 2 टर्मिनल है यहाँ पे ये जो दोनों वायर आए हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ देना है और निगेटिव को निगेटिव में। इसके साथ लेना है लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट की, और ये जो है 2000 mAh की बैटरी है, 18650 2000 mAh, और ये 3.7 वोल्ट। इसके बाद क्या करना है कि इस बैटरी का कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए इसका पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो वायर दोनों पे जोड़ लेंगे एक एक। इसके बाद जो बैटरी का दोनों वायर है पॉजिटिव निगेटिव, और जो ये पॉजिटिव निगेटिव इसमें से निकला है, इन दोनों को निगेटिव निगेटिव में जोड़ के पॉजिटिव को पॉजिटिव में, और इसके जो बैटरी के यहाँ पे जो टर्मिनल है पॉजिटिव निगेटिव इसमें जोड़ देंगे। जो पूरा कनेक्शन है उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया है। इसके साथ जो बैटरी है इसके पीछे हम डबल सेट टेप लगा देना है और इसको यहाँ पे चिपका देना है। इसके साथ जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको भी पीछे डबल सेट टेप लगा के और इसी बॉक्स में चिपका देंगे, और ये जो कवर है इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसके जो उसका ऊपर कवर है उसको बंद कर देना है, और हमने बंद कर दिया है। आप चाहते हैं होल करके स्क्रू भी लगा सकते हैं क्योंकि चारों साइड में होल है। और इसके साथ ये बन के कंप्लीट हो चुका है, और गैस काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं, और गैस जो एलईडी है गैस काफ़ी औसम लग रहा है। और गैस यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से ऑन ऑफ करके जला सकते हैं। तो चले गए इसके हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस टेस्टिंग करने के सबसे पहले हम ले लेंगे चार्जर, मोबाइल का चार्जर कोई भी ले सकते हैं आप, और इसके साथ यहाँ पे ला करके इसको चार्ज यहाँ से लगा देंगे जैक में, तो ये यहाँ पे चार्ज हो रहा है, इसमें रेड कलर की यहाँ पे जल रही है देख सकते हैं आप। और गाइस ये बैटरी चार्ज होएगा तो ब्लू कलर की डी इसके अंदर जलती है, और यहाँ से इसको निकाल देते हैं हम। इसका जो स्विच है यहाँ से ऑन करके आप जला सकते हैं इसको, और देख सकते हैं काफ़ी ब्राइटनिंग के साथ ये जो एलईडी है वो अच्छे से ग्लो हो रहा है, यहाँ पर ऑफ कर देंगे, और गैस बल्ब को हमने ऑन कर दिया है। तो गैस ये आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल में जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ऑल पे सेट कर देना ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।